सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? पहले तो ये कमेंट करके बताओ। बहुत दिनों के बाद फिर से आ चुके हैं हम एक कमाल का बैटल वीडियो लेकर। तो आज हम बैटल करेंगे एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर वर्सेस हमारा गैटलिंग ड्रैगन। तो ये भी है एक ड्रैगन टाइप बेवलेट बोल सकते हो, एंड ये भी है एक ड्रैगन टाइप बेवलेट। तो देखते हैं दोनों के बीच में कौन जीतेगा। ये है मेटल फाइट का बेवलेट, मेटल सीरीज का, और यह बस्ट सीरीज का हमारा बेबलेट, सो बीयू बेबलेट। सो देखते हैं गाइस कौन जीतेगा दोनों के बीच में। एंड गाइस वीडियो को पूरा देखना, एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके बताना क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं। अभी तो डेली वीडियो नहीं डालता, फिर भी कोई बात नहीं। चलो करते हैं बैटल को स्टार्ट। तो लॉन्च करते हैं पहले लाइटनिंग, लाइटनिंग नहीं यार, एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर को। 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड अभी लॉन्च कर दिया है गैटलिंग, लॉन्च कर दिया है गैटलिंग ड्रैगन को। लेकिन गाइस पहले राउंड में नॉकआउट हो गया अपना एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर, एंड गैटलिंग ड्रैगन को मिल चुका है एक पॉइंट। सो करते हैं अगला राउंड। 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड गाइस देखते हैं इस बार कौन जीतता है गैटलिंग गैटलिंग गैट या फिर अपना एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। लेकिन गाइस एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर अपने भारी भरकम गैटलिंग ड्रैगन के सामने ज़्यादा कुछ कमाल दिखा नहीं पा रहा। तो इसी के साथ 2 पॉइंट मिल चुका है गैटलिंग ड्रैगन को। गाइस गैटलिंग ड्रैगन अभी कमाल कर रहा है एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर के सामने, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है भाई, एकदम उसका डबल होगा शायद। सो लॉन्च करते हैं इस बार फिर से गैटलिंग ड्रैगन को। पहले 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड देखते हैं इस बार क्या होता है गाइस। एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर अभी तक कोई अटैक लैंड नहीं कर पाया है गैटलिंग ड्रैगन के ऊपर, एंड गैटलिंग ड्रैगन का स्टैमिना बहुत ही ज़्यादा लूज हो चुका है, एंड फाइनल सर्वाइव ऑन हो चुका है अपने क्या बोलते हैं एल्ड्रैगो एल्ड्रैगो में। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता एल्ड्रैगो स्टैंड कर पाएगा। लेकिन गाइस एल्ड्रैगो आखिर तक स्टैंड कर गया, एंड एक पॉइंट मिल चुका है अभी एल्ड्रैगो को। सो एल्ड्रैगो ने एक राउंड जीता है गाइस। सो करते हैं अगले राउंड। 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट, शूट। एंड एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर को फिर से नॉकआउट कर दिया गया है गैटलिंग ड्रैगन के द्वारा। सो गैटलिंग ड्रैगन पहुंच चुका है 3 पॉइंट्स में, एंड एक पॉइंट है अपने एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर के पास। सो गैटलिंग ड्रैगन टोटली बीट कर रहा है अपने एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर को। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो करते हैं लॉन्च। 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड इस बार दोनों ही खतरनाक तरीके से नॉकआउट हो गए गाइस स्टेडियम के एकदम बाहर, स्टेडियम को हिला डाला एकदम। सो देख सकते हो दोनों ही बेवलेड खतरनाक तरीके से नॉकआउट हो चुके हैं। सो ये टाई होता है ये वाला राउंड। सो कोई बात नहीं, फिर से करेंगे हम। सो 3 पॉइंट है अभी तक गैटलिंग के पास। 3-2-1 गो शूट, गो शूट। एंड देखते हैं इस बार क्या होता है। काफ़ी तगड़ा अटैक एल्ड्रैगो के द्वारा, एंड ऐसे अटैक करेगा तो गैटलिंग ड्रैगन बिल्कुल कोई चांस नहीं है जीतने का एल्ड्रैगो के सामने। एंड एल्ड्रैगो ने अपना कमाल दिखा दिया, अपने ड्रैगन का दहाड़ ड्रैगन का पंजा मार दिया है गैटलिंग के ऊपर। सो गाइस गैटलिंग ड्रैगन को अभी थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। सो गैटलिंग ड्रैगन के पास है 3 पॉइंट, एल्ड्रैगो के पास है 2 पॉइंट। सो क्लोज कॉल होने वाला है ये। 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड देखते हैं गाइस इस बार क्या होता है। फिर से एल्ड्रैगो अपने अटैक्स किए जा रहा है, लेकिन अगर अटैक्स नहीं कर पाएगा तो थोड़ा मुश्किल बन सकता है एल्ड्रैगो के लिए। सो देखते हैं, अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ। शुरुआत में थोड़े बहुत अटैक किया था एल्ड्रैगो ने, लेकिन अभी कोई अटैक नहीं हो रहा है फिलहाल तो। सो देखते हैं गाइस क्या होता है। एंड एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर अपने स्टेमिना को एकदम मतलब पकड़ के रखा है, एंड फाइनल सर्वाइव भी अभी बाकी है। एंड इसी के साथ एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर ने भाई गैटलिंग ड्रैगन को मज़ा चखा दिया। सो दोनों के बीच में जो फासला था वो एकदम कम हो चुका है, दोनों को ही पास है अभी 3-3 पॉइंट्स।
पहले तो लग रहा था कि अल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर को ख़त्म ही कर देगा गैटलिंग ड्रैगन, लेकिन भाई ड्रैगन एम्परर तो ड्रैगन एम्परर का मतलब ड्रैगन एम्परर का बेवलेट तो कमाल का ही है, अपना रायुगा का बेवलेट है। सो 3-2-1 गो शूट, एंड अभी लॉन्च करते हैं डिस्ट्रॉयर को, गो शूट। ओ भाई कमाल के स्पीड वाले अटैक्स, फुर्तीले अटैक्स, तो देखते क्या होता है। एंड मुझे तो लगता है इस बार भी गैटलिंग ड्रैगन को मात दे देगा अपना एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर, लेकिन भाई ज़्यादा अटैक्स नहीं हो रहा दोनों के बीच में, क्योंकि गैटलिंग ड्रैगन एकदम बीच में चला जा चुका है, क्योंकि उसका जो टिप है वो सेमी फ्लैट टिप जैसा है। सो थोड़ा बहुत अटैक भी करता है और थोड़ा बहुत स्टैमिना भी प्रोवाइड करता है उसको, लेकिन एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर का फाइनल सर्वाइव काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इधर। एंड स्पिन स्टीलिंग भी हो सकता है एल्ड्रैगो के द्वारा, सो वो भी एक एडवांटेज है एल्ड्रैगो को। एंड मुझे लगता है ये गाइस ये वाला राउंड टाई हो गया, ठीक है, तो ये वाला राउंड भी हो चुका है टाई। सो 4 पॉइंट है एल्ड्रैगो के पास, 4 नहीं शायद से 3 पॉइंट है एल्ड्रैगो के पास, दोनों के बीच में ही अभी टाई चल रहा है। सो लॉन्च करते हैं इसको, 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड एल्ड्रैगो के काफ़ी खतरनाक अटैक्स गैटलिंग ड्रैगन के ऊपर, गैटलिंग ड्रैगन को एकदम धराशायी करने की कोशिश में है एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर, जैसे कि नाम है उसका डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। सो देखते क्या होता है गाइस, स्पिन स्टील हुआ था पिछले राउंड में, इसी वजह से टाई हो गया। सो देखते क्या इस राउंड में भी स्पिन स्टीलिंग का जादू देखने को मिलेगा, तो देखते क्या होता है। लेकिन गाइस मुझे लगता है इस बार गैटलिंग ड्रैगन थोड़ा ज़्यादा स्पिन कर गया, सो इसके साथ गैटलिंग ड्रैगन के पास आ चुका है 4 पॉइंट, 3 पॉइंट है अपने एल्ड्रैगो के पास। तो देखते क्या होता है, 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड इस बार नॉकआउट कर दिया एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर ने गैटलिंग ड्रैगन को। सो दोनों के बीच में फिर से हो चुका है काटे का टक्कर, फिर से हो चुका है टाई। सो गाइस एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर के पास भी आ चुका है 4 पॉइंट, इसके पास भी है 4 पॉइंट, जो पहले 6 पॉइंट तक जाएगा वो हो जाएगा विनर। सो देखते क्या, तो 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड इस बार नॉकआउट हो गया गाइस एल्ड्रैगो, लुको उसको लाना पड़ेगा। सो गाइस गैटलिंग ड्रैगन अभी 1 पॉइंट से पीछे है जीतने के लिए, सो देखते क्या होता है, 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर अपना फिर से स्पीड पकड़ चुका है, लेकिन अटैक्स कोई नहीं कर पा रहा। सो अटैक्स देखने को अगर मिलेगा तभी कुछ मजा आएगा, तभी कुछ बात बनेगा। सो देखते हैं क्या होता है गाइस। एंड अपना एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है, एंड अपने गैटलिंग ड्रैगन का स्टैमिना एकदम कम हो गया है इसी के साथ देख सकते हो। एंड गैटलिंग ड्रैगन भाई सुस्त हो जाएगा मुझे लगता है, और पहले गिर जाएगा, और ये गैटलिंग ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा अपना स्टैमिना लूज़ कर दिया है। एंड इसी के साथ एल्ड्रैगो डिस्ट्रॉयर ने इस वाले राउंड को जीत लिया। सो अभी दोनों के बीच में 5-5 पॉइंट का टाई है, सो ये वाला राउंड जो जीतेगा वो होगा विनर। सो देखते हैं कौन जीतता है, 3-2-1 गो शूट, 3-2-1 गो शूट। एंड जो पहले नॉकआउट होगा या फिर रुक जाएगा सो वो हार जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है, इस ये वाला डिसाइडेड राउंड है, अगर ड्रॉ हो गया तब तो कोई अलग कहानी है वो, अगर टाई नहीं होता है सो देखते क्या होता है गाइस, आखिर तक देखते रहे कौन जीतता है ये वाला बैटल। मुझे लगता है एल्ड्रैगो जीत जाएगा, क्योंकि गैटलिंग का स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है इसी के साथ। एंड ये गाइस काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन के साथ, और ये अपना एल्ड्रैगो भाई स्पिन स्टील, एल्ड्रैगो से स्पिन स्टील कर रहा है गैटलिंग ड्रैगन, लेकिन भाई गैटलिंग ड्रैगन का स्पिन स्टील कोई कोई काम में नहीं आया, क्योंकि एल्ड्रैगो ने आखिर में जाकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पिन दिखाकर जीत लिया है ये वाला बैटल। एंड गाइस कैसा लगा आपको ये वाला बैटल कमेंट करके बताना, एंड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी ब्लेडिंग।